students, I teached you some point of this lesson in last video and some point were remaining. So let's complete those point in this video. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ चुके थे एंड दिस वीडियो में हम लद्दाख और अदर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड इन 2019 विद द कैपिटल एट लेह. लद्दाख को 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जिसकी कैपिटल लेह है. इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है. इट इज़ लोकेटेड इन हाई माउंटेन्स सो इट हैज़ अ वेरी स्पार्स पॉपुलेशन. लद्दाख जो है बहुत ऊंचे माउंटेन पर स्थित है इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा कम है. द हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड हेयर. जो सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर वह लद्दाख में स्थित है. लद्दाख की जो मेन रिवर है वह है इंदूज. इंदूज इज द मेन रिवर ऑफ लद्दाख. लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जिस कारण जो वहाँ की वेजिटेशन होती है वह बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में होती है. लद्दाख में जो ठंड के कारण वेजिटेशन कम होती है वहाँ पर वर्षा भी कम होती है इसलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है. जो इम्पोर्टेंट एनिमल हैं लद्दाख के वे हैं याक, भराल. भराल एक ब्लू शिप होती है. एशियाटिक आइबेक्स ये एक प्रकार की बकरी होती है. इम्पोर्टेंट एंटेलोप जिसे चीरू कहा जाता है. एंटेलोप में हिरण, एक हिरण पाया जाता है जिसका नाम चीरू, मतलब जिसे चीरू कहते हैं. उसके बालों से ऊन बनाई जाती है, बहुत अच्छे किस्म की ऊन बनाई जाती है जिसे शहतूत कहा जाता है. एंड जो लद्दाख में मेन क्रॉप्स पाए जाते हैं वह बार्ले एंड वीट. जौ और गेहूं वहाँ के मेन फसल है. एंड जो लद्दाख है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है लद्दाखी. लद्दाखी द मेन लैंग्वेज ऑफ लद्दाख. एंड लद्दाख में एक फेवरेट डिश है जिसे थुक्पा कहा जाता है. वह एक चिकन और नूडल का सूप होता है. एंड लद्दाख में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो है दशहरा. दशहरा को लद्दाख में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की तरह एक पहाड़ी क्षेत्र है. इस एंड जो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की वो है शिमला. कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला. हिमाचल प्रदेश के लगभग 90% लोग गांव में रहते हैं. 90% लोग गांव में रहते हैं. जो वहां की ऑक्यूपेशन है, जो बिजनेस है हिमाचल प्रदेश का मेन बिजनेस है वो है फार्मिंग मींस खेती. और जो हिमाचल प्रदेश में क्रॉप्स जो फसल उगाई जाती है वो चावल, मक्का, जौ, इसकी फसल की जाती है हिमाचल प्रदेश में. और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बाग हैं जिसमें सेब, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड पाल्म मींस सेब, नाशपाती, खुबानी और बेर उगाए जाते हैं. बहुत से लोग वहाँ पर बकरी भी पालते हैं. एंड जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की जो ड्रेस है, जो वुमेन है वहाँ पर पजामा और लॉन्ग शर्ट पहनती हैं और साथ में एक स्कार्फ पहनती है जिसे ढाजू कहा जाता है. एंड जो वहाँ के मेन हैं वह टाइट पजामा और लूज शर्ट, टाइट पजामा और ढीली शर्ट पहनते हैं. साथ में कलरफुल एम्ब्रॉयड वाली हिमाचल कैप पहनते हैं. कलरफुल और एम्ब्रॉयडेड मतलब कड़ी हुई हिमाचल कैप पहनते हैं. एंड हिमाचल प्रदेश का जो मेन फेस्टिवल है वो है दशहरा. दशहरा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश. और हिमाचल प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है पहाड़ी हिंदी. पहाड़ी और हिंदी हिमाचल प्रदेश की मेन लैंग्वेज है. और हिमाचल प्रदेश का जो फोल्क डांस है वो है नाटी. नाटी इज द फोल्क डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट पॉइंट इज उत्तराखंड. उत्तराखंड वॉज अर्लियर कॉल्ड उत्तरांचल. उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहा जाता था. इट इज अ न्यू स्टेट डेट वॉज फॉर्म ऑन 9th November 2009. जो उत्तराखंड
उत्तरांचल को उत्तराखंड के रूप में 9 नवंबर 2009 को चुना गया, मतलब उत्तरांचल से उत्तराखंड ये हुआ था 9 नवंबर 2009 में। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की तरह देहरादून की भी दो कैपिटल हैं, एक है जम्मू कश्मीर की तरह उत्तराखंड की भी दो कैपिटल हैं, पहली है देहरादून, दूसरी है गैरसैन। देहरादून और गैरसैन, देहरादून जो कैपिटल है वह विंटर कैपिटल है, गैरसैन जो है वह समर कैपिटल है। देहरादून में एक नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क है, मतलब फूलों की घाटी उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। और हिल स्टेशन है उत्तराखंड के नैनीताल मंसूरी और अल्मोड़ा, ये वहाँ के हिल स्टेशन हैं। एंड मेन ऑक्यूपेशन उत्तराखंड की एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग, वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तराखंड में मेन लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी। एंड होली प्लेस जो है उत्तराखंड के धार्मिक स्थल वो है हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब, ये वहाँ के होली प्लेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ वेस्ट बंगाल। नॉर्थ वेस्ट बंगाल इज अ हिली रीजन, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग इज द फेमस हिल स्टेशन, दार्जिलिंग जो है वो नॉर्थ वेस्ट बंगाल का एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि जलपाईगुड़ी को, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्किम। सिक्किम जो है, सिक्किम शब्द सुक्किम से लिया गया है जिसका अर्थ है खुश मातृभूमि, हैप्पी होमलैंड। एंड जो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक, द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है सिक्किम का वह है कंचनजुंगा जो है सिक्किम का हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है। एंड जो सिक्किम में ऑरेंज, कार्डमम एंड जिंजर, ये वहाँ के मेन क्रॉप्स है। और सिक्किम का जो फेमस डांस है वो है मास्क डांस, यहाँ पर मास्क पहनकर डांस किया जाता है, ये वहाँ का फेमस डांस है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है 7 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के 7 स्टेट आते हैं। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था ये नॉर्थ ईस्ट का भाग हो गया हमारे इंडिया का, यहाँ पे 7 स्टेट आते हैं जिसे 7 सिस्टर भी कहा जाता है। 7 सिस्टर कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये यहाँ के 7 स्टेट है। फर्स्ट इज असम। असम इज द लार्जेस्ट स्टेट अमंग द 7 सिस्टर, असम जो है सबसे बड़ा स्टेट है इन सारे स्टेट में। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर, यहाँ की जो कैपिटल है असम की वो है दिसपुर। असम अपनी चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है जो कि स्लोप्स में उगाई जाती है, मीन ढलान पर आप देख सकते हैं ये इस टाइप से चाय उगाई जाती है। और जो मेन क्रॉप्स हैं असम की वो है जूट और राइस, चावल और जूट वहाँ की मेन क्रॉप्स है असम की। एंड जो असम का मेन फेस्टिवल है वो है बिहू, बिहू वहाँ का मेन फेस्टिवल है और वहाँ के लोग असमी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वह ईटानगर, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है जो कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह इंडिया में एंट्री करती है। इंडिया में एंट्री ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश से। और जो अरुणाचल प्रदेश के लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, अपनी जीवन यात्रा जो है एग्रीकल्चर पर ही उनकी डिपेंड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। यहाँ के जो लोग हैं वे फार्मिंग करते हैं, मीन्स खेती करते हैं।
और जो यहाँ पे मेन रूप से जो खेती होती है वो राइस, सुगर कैन, कॉटन, मैज एंड टोबैको। टोबैको मीन्स तंबाकू, तंबाकू की खेती होती है। एंड जो मणिपुर के लोग हैं वह म्यूजिक और डांस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मणिपुरी डांस है वो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो मणिपुर की लैंग्वेज है, मणिपुर के लोग मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, मणिपुर के लोग मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इज अ मेन पॉइंट। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन मणिपुर। जो किबुल लामजाओ एक पार्क है जो कि एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता है और मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेघालय। मेघालय गेट्स द हैवीस्ट रेनफॉल इन द कंट्री। मतलब मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल होती है। और मेघालय के जो मेन क्रॉप्स हैं वो राइस, जूट, पटेटो, सुगर कैन, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज, ये वहाँ के मेन क्रॉप्स है। एंड जो मेघालय की कैपिटल है वो है शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। ये मेघालय की शिलोंग जो है मेघालय की कैपिटल है एंड पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है एंड पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है और वहाँ पर मिजोरम में ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन। मिजो आर मोस्टली क्रिश्चियन मतलब पाए जाते हैं। और जो वहाँ की लैंग्वेज है मिजोरम की वो मिजो और इंग्लिश है वहाँ की मेन लैंग्वेज। एंड जो वहाँ के क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ फसल होती है वो राइस, टोबैको, मैज, जिंजर, बनाना, पाइनएप्पल, इसकी जो है वहाँ पर फसल होती है इन चीज़ों की। द बम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज़ वेरी फेमस। मिजोरम में बम्बू डांस होता है। बम्बू का ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसके बीच में खड़ों के डांस करते हैं, तो ये वहाँ का फेमस डांस है। नेक्स्ट इज नागालैंड। नागालैंड इज लार्जली अ माउंटेन स्टेट। ये बहुत बड़ा माउंटेन स्टेट है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, ठीक। एंड नागालैंड जो सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता है, रिच माना जाता है, वो फ्लोरा और फाउना मीन्स पशुवर्ग और फूलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है नागालैंड। नागालैंड में एक चिड़िया पाई जाती है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक चिड़िया पाई जाती है, पक्षी पाया जाता है नागालैंड में, जिसकी चोंच पर सिंह होता है। एंड यहाँ के लोग कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, और यहाँ पर चावल से बनी एक बियर बनाई जाती है। चावलों से यहाँ बियर बनाई जाती है जो कि बहुत फेमस है, वहाँ के लोग उसे पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा को थ्री वर्ल्ड तीन संसार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा जो है अपने तीन साइड से बांग्लादेश से और एक साइड से वह असम से घिरी हुई है। त्रिपुरा को थ्री वर्ल्ड कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि वह तीन साइड से बांग्लादेश और एक साइड से असम से घिरा हुआ है, इसलिए इसे थ्री वर्ल्ड कहा जाता है। एंड जो मिजोरम त्रिपुरा की जो कैपिटल है वह अगरतला है। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के लोग जो है बंगाली और कोक बोरक जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के लोग बोलते हैं। एंड जो यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो फसल होती है, वो जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड की यहाँ पर फसल होती है। बम्बू जो है त्रिपुरा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बम्बू से वहाँ पर टॉय बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, हट्स में झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो दिस पॉइंट इज कम्प्लीट एंड दिस लेसन इज कम्प्लीट। दिस इज एक्सरसाइज और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं PDF में करके आपके ग्रुप में भेज दूँगी। टेक केयर, गुड बाय।